नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन सुविनय चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा, आज आपको चूने के पाउच के द्वारा लगने वाली आंखों में चोट या आई इंजरी के बारे में बताने के लिए यहां उपस्थित हूं। साथियों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चूना तंबाकू के साथ मिलाकर खाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये चूने की ट्यूब है जो कि इन राज्यों में आसानी से उपलब्ध होती है और तंबाकू खाने वाले इस ट्यूब को वैसे चूने इसको खोल के इसको दबा के और तंबाकू के साथ मिलाकर खाते हैं। कई बार माता पिता या अन्य परिजन छोटे बच्चों से इस ट्यूब को मंगाते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे जब ट्यूब को लेके आते हैं और बच्चे इसको दबाते हैं क्योंकि एक तरह की कोलेस्ट्रिकल होती है, इसको दबाने से चूना अचानक टक्कर खुल जाता है और चूना आंख में चला जाता है। जब चूना आंख में जाता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका कॉर्निया होता है जिसको हम ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं या पारदर्शी पुतली कहते हैं। तो आंख का जो पारदर्शी पुतली होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कॉर्निया, जो कि आंख की टोटल पावर जो कि 60 डायप्टर होती है इसमें से 44 डायप्टर जो पावर होती है वो कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है और शेष 14 डायप्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है। तो कॉर्निया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है आंख का और इसकी पारदर्शिता का रहना बहुत जरूरी होता है स्पष्ट देखने के लिए। तो चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब आंख के अंदर जाता है तो ये इसका जो पेस्ट होता है, इसका जो एक पेस्ट जो होता है ये आंख की ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से में चिपक जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवल फोर्निक्स। तो कंजंक्टिवल फोर्निक्स में चूने का जो पेस्ट होता है वो चिपक जाता है और धीरे धीरे चूना रिश्ता रहता है और ये आंख की जो पारदर्शी पुतली होती है इसको गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। लिम्बल स्टेम सेल जो कोशिकाएं होती है उनको क्षति पहुंचाता है। इसके कारण जब तक रोगी या बच्चा अस्पताल पहुंचता है तब तक ऑलरेडी उसकी आंख में नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि जब चूना आंख के अंदर जाता है तो आंख में तेज दर्द होता है, जलन होती है और आंख बंद हो जाती है। और चूने का जो पेस्ट होता है वो सुपीरियर फोर्निक्स और इंफीरियर फोर्निक्स में अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉर्निया होता है जिसको पारदर्शी पुतली कहते हैं इसमें गंभीर नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ अल्काली आई इंजरी हो जाती है, क्योंकि अल्काली आई इंजरी के कारण जो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी पारदर्शिता उसकी समाप्त होती है और कॉर्निया ओपेक हो जाता है। ऐसी स्थिति में आंखों को तुरंत धोएं, अपने नजदीकी नेत्र चिकित्सक के पास जाएं। आंखों में कई बार बेहोश करके बच्चों की आंखों में पलकों को डबल इन्वर्ट करके यानी कि दो बार पलटा के चूना निकाला जाता है और यह करना अति आवश्यक होता है क्योंकि कई बार चूना जो होता है वो आंख के अंदर पूरी तरह से टिश्यू के साथ चिपक जाता है, उसको बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसको निकालना पड़ता है, ये पेनफुल होता है इसलिए कई बार एनेस्थीसिया रहना पड़ता है। तो साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 8 वर्षीय बालक जिसकी दोनों आंखों में चूना चला गया था लेकिन इनके परिजनों की सतर्कता के कारण ये तुरंत अस्पताल लेके आ गए, इनका ट्रीटमेंट हुआ। लगभग 7 दिन पहले उन्होंने चिकित्सालय में बालक को लेके आए थे, रात में हमने इमरजेंसी में देखा, इमरजेंसी में ही उपचार किया और तुरंत ट्रीटमेंट मिलने के कारण बच्चे की आंखें चूना जाने के पश्चात भी बच गई और काफी अच्छा आराम मिला है। और मैं आपको मिलवाता हूँ 8 वर्षीय बालक से। बेटा क्या हो गया था आपको? अच्छा, चूने से आप खेल रहे थे, तो चूने से कैसे खेल रहे थे आप? ऐसी ट्यूब थी आपके पास? अच्छा, तो ट्यूब कहाँ से मिली थी बेटा? खिड़की में से। तो आपने दबाई थी इसको ऐसे? तो ये आप चूने से खेल रहे थे, ऐसी ट्यूब मिली थी और इस ट्यूब को दबाया था और बच्चे के पापा भी हैं, आप इधर आए थे और बताएं कि कैसे क्या हुआ था, बताएं। ये मेरा क्या, मेरे पापा जर्दा खाते थे तो ये बाहर खेल रहा था तो मम्मी ने इसको डांटा तो ये अंदर कमरे में जाके जर्दा में रखी हुई ट्यूब को उससे खेलने लग गया, तो इसने ट्यूब को दबा दी, इसकी दोनों आंखों में चूना भर गया। तो हमने इसके आंखें तुरंत धोई पानी से और हैंड टू हैंड, हम 100 किलोमीटर दूर है दहीखेड़ा गाँव तहसील खानपुर डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, तो हम इसको हैंड टू हैंड कोटा सुई नेत्र चिकित्सालय में लाया और यहाँ लाते रात को 9 बजे इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और इसने 3 दिन बाद इसकी आंखें खुली तो ये थोड़ा ठीक पाया। फिर उसके हम 1-2 दिन बाद फिर वापस दिखाने आए
तो हमें और बेटर मिला, तो हमें यहीं का ट्रीटमेंट चल रहा है सूर्य नेत्र चिकित्सालय का, और हम डॉक्टर सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। एक्चुअली जैसा कि देखा आपने कि बच्चे की आंख में चूना जाने के बाद तुरंत बाद आप लेके आए कोटा में और तुरंत इलाज शुरू हुआ, रातों रात इलाज शुरू हुआ, और उस टाइम पे बच्चे की आंख में से चूना निकाला गया और दोनों आंखों से पलकों को इवर्ट करके डबल इवर्ट में चूना निकाला गया, और उसका परिणाम यह आया कि आज बच्चे की आंखें ठीक हैं और काफी उस समय जो फोर्निक्स में चूना चिपका हुआ था। और ये जो पाउच होता है ये खिलौना नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है, और इस पे एक वैधानिक चेतावनी लिखनी चाहिए कि चूना स्वास्थ्य के लिए और आंखों के लिए खतरनाक है, क्योंकि चूना एक बार जाने के बाद में एल्काली इंजरी होती है, और एल्काली इंजरी जो होती है वो कॉर्निया और अन्य टिश्यूज के लिए बड़ी खतरनाक होती है, आंखों को गला सकती है। इसलिए मैं डॉक्टर सुरेश पांडे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को चूना के पाउच से दूर रखें, चूने का पाउच कभी बच्चों से नहीं मंगवाएं, और जो लोग चूना खाते हैं वो चूना खाना छोड़ दें। यदि आप चूना खाना नहीं छोड़ते हैं तो ये जो पाउच है ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये ऐसी जगह रखें जहां बच्चे नहीं पहुंच पाए, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि चूना खाना छोड़ दें, जिससे कि ये जो रिस्क है चूना खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर का रिस्क होता है और कई खतरे होते हैं, तो ये खतरे से भी बचेंगे और बच्चों की आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। तो साथियों आइए हम जन जागरूकता करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपने बच्चों को चूने की पाउच से बचाएं, जिससे कि बच्चों की आंखें सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सूर्य नेत्र चिकित्सालय कोटा।